हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी आई होप सभी अच्छे होंगे तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज मैं आपके सामने अपना ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक का रूटीन बताने जा रही हूँ तो यहाँ पर सुबह मैंने सारा काम कर लिया है और अब मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ तो ब्रेकफास्ट में आज मैं आलू का पराठा बना रही हूँ तो आलू की जो पिट्ठी है मैंने तैयार कर ली है और मैंने आलू की पिट्ठी में थोड़ी सी प्याज डाली है बारीक कटी हुई और नमक मिर्च हींग वग़ैरह ये सब डाल दिया है और थोड़ी सी सौंफ का पाउडर भी आप डाल लें तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है पराठा तो यहाँ मैं देखिए आलू का पराठा मैं बना रही हूँ और चाय के साथ खाएंगे या फिर दही वगैरह के साथ तो काफ़ी अच्छे लगते हैं सुबह में नाश्ते में और बच्चों को भी काफ़ी पसंद हैं तो यहाँ मेरे आलू के पराठे तैयार हो गए हैं काम मेरा सुबह में जो है झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है नाना धोना कपड़े वग़ैरह अभी रह गए हैं तो नाश्ता करने के बाद मैं उनको भी धो लूँगी और यहाँ देखिए पराठे हमारे काफ़ी अच्छे फूल गए हैं और अब मैं सारा काम मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है तो अब मैंने कपड़े वगैरह धो लिए हैं अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत पर कपड़े सुखाने के लिए और काफ़ी अच्छी धूप निकली आई है आज और यहाँ ये मेरी बेटी की क्लासेस चल रही है तो वो पढ़ रही है और मौसम काफ़ी अच्छा है धूप काफ़ी अच्छी हो रही है बट हवा चल रही है काफ़ी तो आप देख सकते हैं छत पे मैंने सारे कपड़े धो के सुखा दिए हैं और हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी आई होप सभी स्वस्थ होंगे अच्छे होंगे तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और आज मौसम काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है हवा चल रही है बट और संडे है आज और देखिए मैंने अपने बाल धोए हैं और मैं आ गई हूँ अपनी छत पर मैंने सोचा थोड़ी देर छत पर बैठ लेती हूँ क्योंकि कपड़े धोकर लाई थी मैं तो कपड़े सुखा दिए हैं मैंने और अब मैं आकर बैठ गई हूँ यहाँ पर धूप काफ़ी तेज़ हो रही थी तो मैं यहाँ छाव में आकर बैठ गई हूँ और मैं आपके साथ आज संडे स्पेशल जो कुछ आ, मैं बनाने जा रही हूँ तो वो आपके साथ शेयर करूँगी जो भी कुछ बनाऊँगी और मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ तो कैसे हैं आप सभी और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तो चलिए मिलते हैं आप और अपना काम करते हैं थोड़ा सा तो फ्रेंड्स मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था और मैं काफ़ी टाइम तक ऊपर बैठ के आ गई हूँ अब नीचे और लंच का टाइम हो गया है तो अब मैं यहाँ पर कड़ी बना रही हूँ और कड़ी के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी पकौड़ियाँ फ्राई कर ली हैं क्योंकि कड़ी जो है बिना पकौड़ियों के थोड़ी ए, कहते हैं ना कि पकौड़ी अगर कड़ी में पड़ जाए तो कड़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो बस इसीलिए थोड़ी सी मैं पकौड़ी निकाल रही हूँ और बच्चों को भी काफ़ी अच्छी लगती हैं पकौड़ियाँ तो यहाँ मैंने ये पकौड़ियाँ फ्राई कर ली हैं और जिस तरीके से मैं कड़ी बनाती हूँ तो आप भी एक बार ट्राई करें क्योंकि सब जगह अपने अपने तरीके से अलग अलग कड़ी बनाते हैं मतलब कोई भी सब्जी हो सब अपने तरीके से बनाते हैं तो एक बार मेरे तरीके से भी बना के देखिएगा तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ऑयल गरम हो गया है और पहले मैंने थोड़ा ही ऑयल डाला है क्योंकि मुझे बाद तो में भी जो है इसमें तड़का लगाना है तो इसीलिए और इसमें मैंने मेथी दाना और जीरे से इसमें तड़का लगाया है और हल्दी डाल के मैंने जो मैंने बेसन घोल के रखा था मट्ठे में वो डाल दिया है और अब इसको अच्छे से चलाते रहेंगे और देखिए काफ़ी अच्छे से इसमें उबाल आ गया है क्योंकि कहते हैं ना अगर कड़ी हम नहीं चलाएंगे तो वो फट जाती है इसीलिए इसको चलाते रहना पड़ता है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए और मेरी जो कड़ी है वो अच्छे से उबल चुकी थी इसीलिए मैंने अब इसमें पकौड़ियाँ डाल दी हैं तो आप देख सकते हैं तो काफ़ी अच्छी कड़ी बन चुकी है और यहाँ पर ये देखिए मैंने अब तड़के की तैयारी कर ली है तो तड़के में मैंने जीरा डाला है हींग डाली है और यहाँ थोड़ी सी कड़ी पत्ते और लाल मिर्च डाल दी हैं तोड़कर तो इनको अच्छे से भून लेंगे और यहाँ देखिए मैंने थोड़ा ये लहसुन प्याज रखा था कट करके उसको डाल दिया है कुछ लोग बिना लहसुन प्याज वाली बनाते हैं बट जो लोग नहीं खाते उनका तो ठीक है पर जो लोग खाते हैं वो एक बार इस तरीके से बनाएं और यहाँ लहसुन प्याज़ अच्छे से भुन चुका है उसके बाद मैंने डाल दी है इसमें लाल मिर्ची क्योंकि मैंने जब कड़ी बनाने रखी थी तब नहीं डाली थी और अब देखिए ये तड़का हमारा कड़ी के ऊपर पड़ चुका है और काफ़ी टेस्टी लगती है ऐसे कड़ी बनाओगे आप तो और इसको इसमें मिला दीजिए और देखिए इसका कलर भी कितना प्यारा आया है और खाने में भी ये काफ़ी टेस्टी लगती है तो ट्राई कीजिएगा आप एक बार और इसके साथ अब मैं बनाऊंगी चावल और यहाँ देखिए मेरी कड़ी बनकर तैयार हो गई है इसके साथ राइस और थोड़ी सी रोटियाँ तो हमारा लंच तैयार हो जाएगा तो यहाँ देखिए मैंने रोटियों की भी तैयारी कर ली है और दूसरी गैस पर मैंने चावल रख दिए हैं भगोने में थोड़े से तो चावल भी साथ के साथ बनते जाएंगे तो यहाँ देखिए हमारी रोटियाँ भी तैयार हो रही हैं तो आप लोगों के यहाँ कैसे बनाते हैं बताइएगा क्योंकि सबके यहाँ अलग अलग तरीके से बनाते हैं हर चीज़ किसी के यहाँ पर कैसी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा और मेरा कड़ी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा तो यहाँ देखिए रोटियाँ भी मेरी तैयार हो गई हैं तो इसी तरीके से मैं सारे काम अपने निपटा लेती हूँ क्योंकि जब मुझे टाइम मिलता है तभी मैं काम कर लेती हूँ क्योंकि टाइम मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब शिवम जो है खेलने लगता है नहीं तो वो मेरे साथ ही लगा रहता है और छत पे मैं थी तो फिर अपने दादू के पास चला गया था और अब वो दादू के ही पास है तो नहीं तो ये देखिए हमारे कड़ी चावल और रोटी बनकर तैयार हो गई हैं तो आ जाइए और आप सब भी खा लीजिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा थैंक यू